दोस्तों ये साउथ मूवीज मूवी में जो कौन सा मसाला डाल के बनाते हैं इसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, क्योंकि इनकी हर एक मूवी सच बताओ तो दोस्तों ऑसम होती है। ये चाहे मच्छी बाजार को दिखाए या फिर हाथी बाजार को दिखाए, लेकिन इनके हर एक चीज बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट की जाती है। इसीलिए हो सकता है कि साउथ की मूवी आजकल बॉलीवुड को कदमों के नीचे फेंक रही है और आगे बढ़ते चली जा रही है, क्योंकि ये साउथ मूवीज बॉलीवुड से कई ज़्यादा चहेती हो चुकी है आजकल दर्शकों में। और हो भी क्यों ना दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं इस मूवी की प्रेजेंटेशन सच में वाव है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ कोंदल मूवी के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है नेटफ्लिक्स पर। इसे हिंदी में भी रिलीज की गई है। मूवी चाहे तो आप अपने पूरे फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं, क्योंकि मूवी की प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है। मूवी में किसी भी तरह की कोई भी सेक्सुअल या फिर न्यूडिटी आपको नजर नहीं आने वाली होगी। मूवी पूरी तरह से एक्शन प्रूफ मूवी है, इसीलिए हो सकता है कि ये मूवी उन्हें ज़्यादा पसंद आए जो कि एक्शन मूवी देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं अब थोड़ा बहुत इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों इस बार मूवी की शुरुआत होती है एंथनी से, जो कि एक मछुआरे हैं, और वो बहुत सारे मछुआरों के साथ मिलकर जहाज पर जाते हैं मछलियां पकड़ने के लिए, वो भी समुद्र में। लेकिन जहाज में जाते ही हमें यह पता चलता है कि एंथनी एक्चुअल में जहाज में एक बड़े मकसद को कंप्लीट करने के लिए आया है, यानी कि उस जहाज का मालिक और उसके जितने भी दोस्त हैं उन सभी को वो किसी भी तरह से ठिकाने लगाना चाहता है। लेकिन असल में एंथनी इन सभी को ठिकाने क्यों लगाना चाहता है, ये जानने के लिए आपको इस मूवी को एक बार जरूर देखना चाहिए। मूवी की प्रेजेंटेशन दोस्तों सच में ऑसम है। मूवी की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप किसी भी जगह पर बोरियत फील एटलीस्ट करने वाले नहीं होंगे। मूवी आपको किसी भी जगह पर बोर होने का मौका ही नहीं देने वाली होगी, तो आप बोर कैसे फील कर सकते हैं। मूवी की स्टार्टिंग बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से की गई है। मूवी की स्टार्टिंग में आपको बीच बीच में ऐसा भी लग सकता है कि असल में ये मूवी हमें दिखाना क्या चाहती है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों इस मूवी की एंडिंग में हर एक चीज को बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन की गई है। मूवी में आप अच्छा खासा एक्शन एंजॉय करने वाले होते हैं। तो दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी रही मेरे लिए काफी हद तक अच्छी, और इस मूवी को अगर मैं रेटिंग दूं तो मैं इसे रेटिंग दूंगा 5 में 4 स्टार, क्योंकि दोस्तों सच में ये मूवी ऑसम मूवी है। मूवी ने मुझे किसी भी जगह पर बोर नहीं किया। मूवी की स्टोरी मुझे सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आई, और सबसे बड़ी बात दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की प्रेजेंटेशन बड़ी ही अनोखे तरीके से की गई है, जो कि आपको सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी। मूवी की एंडिंग कुछ इस तरह की गई है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि मे बी कोंडल की पार्ट 2 भी बहुत जल्द रिलीज कर दी जाए। फाइनली अगर आप सोच रहे हैं कि इस मूवी को हम देखें या ना देखें, तो दोस्तों ये मूवी वो तो जरूर देखें जो कि एक्शन थ्रिलर मूवी देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं और थोड़ा हटकर मूवी देखना पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की स्टोरी की प्रेजेंटेशन सच में अमेजिंग है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये सिंपल रिव्यू आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।